Welcome to this session. Today we will do multiple choice questions on the Jainism or Jain religion in the Indian history. And this session having 45 plus MCQs, guys. And every single question is important for your examination. So watch the complete session. And if any person is visiting the channel for the first time, so you can subscribe the channel and don't forget to press the bell icon also. So let us start our session with the first question. So start with the easy one question. So your question is, the founder of Jainism is, your A option is Arya Sudharma, B option is Mahavir Swami, C option is Parshvanath, and D option is Rishabhdev. So the right answer will be option D, that is Rishabhdev. Next question is, who was the first Jain Tirthankaras? A option is Parshvanath, B is Rishabhdev, C option is Mahavir, and D option is Chetanak. So first Tirthankara name was Rishabhdev, that is option B is the right answer. अगर हम बात करें founder और अगर बात करें first तीर्थंकरास तो वो थे Rishabhdev, okay? और जो है guys, जैन रिलीजन में जो है total जो है 24 तीर्थंकरास थे और वो सारे थे क्षत्रिया, right? तो जो अगर हम first तीर्थंकरास की बात करें या पूछा जाए founder of जैन रिलीजन, तो आएगा ऋषभनाथ. और आपको जो है इनका emblem भी याद रखना है, इनका emblem है bull, right? और आपको याद रखना है सेकंड तीर्थंकर का नाम था अजीतनाथ और इनका एम्बलम था एलिफेंट. और गाइस ये तीर्थंकर होते क्या थे, ये स्पिरिचुअल गुरुज या स्पिरिचुअल टीचर होते थे जैन रिलीजन में जिनको तीर्थंकर कहा जाता था, ओके. और जो फॉलोअर्स होते थे जैन रिलीजन के उनको जैनास या जैन्स कहा जाता है, ओके. और आपको जो है फर्दर पॉइंट इज 19 तीर्थंकर, जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे वो थे मालीनाथ. आपको ये स्पेसिफिकली क्यों याद रखना है, वैसे आपको फर्स्ट के दो और लास्ट के दो राइट ये याद रखने हैं, पर आपको 19th जो तीर्थंकर थे इनका नाम याद रखना है, दैट इज मालीनाथ. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी वॉज द ओनली फीमेल तीर्थंकर, ओके. इन 24 तीर्थंकर में अगर फीमेल की बात करें, सो 19th नंबर की जो तीर्थंकर थी ये क्या थी, फीमेल थी, राइट. और इनका नाम था मालीनाथ. और आपको अच्छे से याद रख लेना है इनका एम्बलम था कलश मिथिला, राइट. और 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इनका एम्बलम था स्नेक, ओके. और अगर 24th तीर्थंकर की बात करें या लास्ट तीर्थंकर पूछा जाए तो वो थे वर्धमान महावीर और लॉर्ड महावीर और इनका एम्बलम था लॉइन, राइट. सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो आई होप यू गेट इट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओरिजिनल नेम ऑफ महावीरा वॉज, ए ऑप्शन इज सिद्धार्थ, बी ऑप्शन इज गौतम, सी ऑप्शन इज वर्धमान, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. So right answer is option C, that is Vardhman. Next question is, where was Mahavir Swami born? A option is Kundagram, B is Patliputra, C option is Magadh, and D option is Lumbini. So Mahavir Swami born at the place Kundagram. अगर district की बात करें, so Muzaffarpur district in Bihar. So आप complete याद रख सकते हो, Kundagram, Muzaffarpur district in Bihar, right? Okay, so here I mentioned some important points related to Lord Mahavira. So फर्स्ट पॉइंट को देखिए, दैट महावीर स्वामी बॉर्न इन 599 BC इन कुंडाग्राम और उनके फादर का नाम था सिद्धार्था और ये बिलोंग करते थे जनात्रिका क्लैन को, राइट. इनकी मदर का नाम था त्रिशला जो बिलोंग करती थी लिच्छवी क्लैन को या लिच्छवी प्रिंसेस थी वो, और इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, राइट. फर्दर पॉइंट इज द डॉटर, इनकी डॉटर का नाम था प्रियदर्शिना और इनकी शादी हुई थी जमाली से, राइट. ये जमाली आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि जो है ये जमाली जो है फर्स्ट डिसाइपल ऑफ जो है लॉर्ड महावीर थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है. और ये इनके जो है सन इन लॉ भी थे लॉर्ड महावीरा के, राइट. सो फर्दर पॉइंट इज, एट द एज ऑफ 30 महावीर स्वामी ने जो है अपने घर को छोड़ दिया था ज्ञान की खोज में, राइट. सो आफ्टर 13 ईयर्स, मतलब घर छोड़ने के 13 साल के बाद, एट जम्बिका ग्राम, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, एट जम्बिका ग्राम ही अटेंड कैवल्या. कैवल्या मीन्स सुप्रीम नॉलेज. ये भी पूछा जाता है कैवल्या की प्राप्ति जो है महावीर स्वामी को कौन सी जगह पर हुई थी, सो जम्बिका ग्राम, राइट. एंड फर्दर पॉइंट इज, लॉर्ड महावीरा ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ अरिहंत. ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से पर्सन को जो है अरिहंत का टाइटल दिया गया है, सो आपको याद रखना है लॉर्ड महावीर, राइट. फर्दर पॉइंट इज, लॉर्ड महावीरा कंटेम्प्रेरी टू बिंबिसार, और वी कैन से लॉर्ड महावीरा इज कंटेम्प्रेरी टू गौतम बुद्धा. तो यहाँ पर जो है कुछ पर्सनैलिटीज हैं, आप फिलहाल के लिए बिंबिसार याद रख लो, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज, एट एज ऑफ 72 लॉर्ड महावीरा अटेन डेथ एट पावा और पावापुरी नियर पटना इन बिहार इन 527 BC, ओके. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो यू कैन नोट इट डाउन और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द क्रिएशन एंड इट्स मेंटेनेंस हैव बीन डन बाय, ए ऑप्शन इज द यूनिवर्सल लॉ, बी इज द यूनिवर्सल फेथ,
सी ऑप्शन इज द यूनिवर्सल सोल एंड डी ऑप्शन इज द यूनिवर्सल सोल. ओके, सी एंड डी आर द सेम. तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज यूनिवर्सल लॉ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थंकरा. ए ऑप्शन इज चंद्रबंधु, बी इज नाथ मुनि, सी ऑप्शन इज नेमी एंड डी ऑप्शन इज संभव. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नाथ मुनि. उन 24 तीर्थंकरा में जो नाम शामिल नहीं था वो था नाथ मुनि. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस जैन सेंटर इन द साउथ इंडिया इज सिचुएटेड एट. ए ऑप्शन इज रामेश्वरम, बी इज कांची, सी ऑप्शन इज मदुराई एंड डी ऑप्शन इज श्रवण बेलगोला. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्होम डज द ग्रेट रिलीजियस इवेंट महामस्तक अभिषेका रिलेट टू एंड डन फॉर. ए ऑप्शन इज बाहुबली, बी इज बुद्धा, सी ऑप्शन इज महावीरा एंड डी ऑप्शन इज नटराज. तो द रिलीजियस इवेंट जिसका नाम है महामस्तक अभिषेका वो रिलेट करती है बाहुबली से. बाहुबली किसको कहा जाता है? सो गोमतेश्वरा स्टैच्यू जो लोकेटेड है श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका, उसको जो है बाहुबली स्टैच्यू भी कहा जाता है या बाहुबली भी कहा जाता है. तो ये जो रिलीजियस इवेंट है जो हर 12 साल में एक बार होती है, ये रिलेट करती है बाहुबली से, जो कि है महामस्तक अभिषेक और कन कंसेक्रेशन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महावीर स्वामी गेव हिज फर्स्ट सेरमन. ए ऑप्शन इज विशाली, बी इज राजगृहा, सी ऑप्शन इज नालंदा एंड डी ऑप्शन इज चंपा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राजगृहा. राइट, और फर्स्ट सेरमन ऑफ लॉर्ड महावीरा को कहा जाता है दिव्या दवानी या दिव्या धवनर भी कहा जाता है. और ये इन्होंने दिया था, अगर हिल की बात करें सो विपुल रचा हिल पे. ओके, आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है दैट फर्स्ट सेरमन ऑफ गौतम बुद्धा ने कहाँ दिया था और उसको क्या कहा जाता है. हमने लास्ट सेशन जब एंशिएंट हिस्ट्री में किया था वो हमने बुद्ध रिलीजन पे किया था, वहां पर हमने सारे पॉइंट्स काफी अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आजीविका ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय. ए ऑप्शन इज आनंदा, बी ऑप्शन इज राहुल भद्रा, सी ऑप्शन इज मुकाली गोशाला एंड डी ऑप्शन इज उपाली. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मकाली गोशाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गॉट द जियांट गोमतेश्वरा स्टैच्यू इरेक्टेड एट श्रवण बेलगोला. हमने इस पे दो क्वेश्चन कर लिए अलग अलग तरीके से. तो गोमतेश्वरा स्टैच्यू को जो है बाहुबली स्टैच्यू भी कहा जाता है, ये लोकेटेड है श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है दैट विच पर्सन कंस्ट्रक्टेड दैट और इरेक्ट दैट स्टैच्यू. तो ए ऑप्शन इज चमुंद्राए, बी ऑप्शन इज कृष्णा फर्स्ट, सी ऑप्शन इज कुमार पाला एंड डी ऑप्शन इज तेज पाला. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कृष्णा फर्स्ट. नाउ लिसन गाइज, ये क्वेश्चन जो है कहीं पर आपको जो है कृष्णा फर्स्ट जो है आपको ऑप्शन में मिले, मतलब आंसर मिलेगा इसका, कहीं पर आपको मिलेगा चमुंद्राए. ये एक मिनिस्टर थे जो बिलोंग करते थे गंगा डायनेस्टी से. तो अगर कृष्णा फर्स्ट आपको ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको करना है चमुंद्राए. राइट, चमुंद्रा ये मिनिस्टर थे गंगा डायनेस्टी के. सो अगर जो है कृष्णा आपको ऑप्शन में मिलता है तो आपको इसको टिक करना है. वैसे आपको देखने को मिलेगा चमुंद्राए, गूगल आप जब करोगे तो आपको इनका नाम देखने को मिलेगा जिन्होंने इस स्टैच्यू को बनाया था. राइट, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार खुद अपने बिहाफ पे जो है गूगल कर लीजिएगा, कुछ बुक्स को रेफर कर लीजिएगा जहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिलोसफी डज समाधिक मरण डेथ इन अ, समाधिक मरण इज डेथ इन अ स्टेट ऑफ डीप मेडिटेशन रिलेट टू. जो ये फिलोसफी है दैट इज समाधिक मरण, वो किस रिलीजन से बिलोंग करती है, किस सेक्ट से बिलोंग करती है. यो ए ऑप्शन द बुद्धिस्ट फिलोसफी, बी इज द जैन फिलोसफी, सी ऑप्शन इज योगा फिलोसफी एंड डी ऑप्शन इज द योगा याता फिलोसफी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द जैन फिलोसफी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डिड महावीर स्वामी डाई. ए ऑप्शन इज राजगीर, बी इज सांची, सी ऑप्शन इज पावापुरी एंड डी ऑप्शन इज समस्तीपुर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पावापुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड महावीरा. ए ऑप्शन इज इंद्राभूति, बी इज जम्बू, सी ऑप्शन इज तूलभद्रा एंड डी ऑप्शन इज सुधर्मा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सुधर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड तीर्थंकरा इज रिलेट टू. वेरी इजी, ए ऑप्शन इज द बुद्धिस्ट, बी इज द क्रिश्चियन, सी ऑप्शन इज द हिंदूज एंड डी ऑप्शन इज द जैन्स. सो द तीर्थंकरा आर द स्पिरिचुअल गुरुज इन द जैन रिलीजन. सो डेफिनेटली जो है दिस वर्ड रिलेट टू द जैन, जैन और जैनास. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अर्लीस्ट जैना टेक्स्ट. ए ऑप्शन इज द 12 अंगास, बी ऑप्शन इज द 12 उपंगास, सी ऑप्शन द 14 सी ऑप्शन इज द 14 पूर्वास एंड डी ऑप्शन इज द 14 उप पूर्वास.
सो द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट इज द 14 पूर्वास, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बर द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर बर रिटन. ए ऑप्शन इज अर्धमग्धी, बी इज पाली, सी ऑप्शन इज प्राकृतिक एंड डी ऑप्शन इज संस्कृत. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अर्धमग्धी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ऑथर ऑफ द कल्प सूत्र. ए ऑप्शन इज वासुमित्रा, बी इज हेमचंद्रा, सी ऑप्शन इज भद्राबाहु एंड डी ऑप्शन इज स्थूल भद्रा. तो जो कल्प सूत्र के ऑथर थे वो थे भद्राबाहु. और कल्प सूत्र में क्या था, इसमें जो है बायोग्राफीज ऑफ जैन्स के बारे में लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वीन ड्यूरिंग द राइन ऑफ. ए ऑप्शन इज बिंबिसार, बी इज शिशुनागा, सी ऑप्शन इज महापद्मनंदा एंड डी ऑप्शन इज चंद्रगुप्त मौर्य. तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड और कन्वीन ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट. और जो है बुद्ध रिलीजन के मैंने आपको जब करवाया था वहां पर आपको मैंने चार काउंसिल याद रखने को कहा था, और यहाँ पर हम जो है आपको दो काउंसिल याद रखनी है कि किसके टाइम पर जो है कौन सी काउंसिल हुई थी और किस प्लेस पर हुई थी, राइट. तो देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में और सेकंड जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी में, राइट. मतलब आप पीवी ऐसे करके याद रख सकते हो, पीवी दो काउंसिल याद रखनी है, फर्स्ट वन इज द पाटलिपुत्र, सेकंड वन इज द वल्लभी, राइट. तो जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी इसको जो चेयर करने वाले पर्सन थे वो थे स्थूल भद्रा, राइट. और जो सेकंड जैन काउंसिल हुई थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे देवरिद्धि गानी, राइट. और जो थर्ड पॉइंट देखिए, जैन रिलीजन या जैनिज्म रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ये सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ था ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य टाइम, और वी कैन से मौर्यन पीरियड के टाइम पे, राइट. फोर्थ पॉइंट इज जैन लिटरेचर इज इन अर्धमग्धी एंड प्राकृतिक डायलेक्ट्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच जैन काउंसिल द जैन धर्म वॉज डिवाइडेड इन टू श्वेतांबर एंड दिगंबर. ये जो है फर्दर सेक्ट हैं जैन रिलीजन के. सो ये डिविजन कब हुआ था, सो योर ए ऑप्शन इज फर्स्ट काउंसिल, बी इज सेकेंड काउंसिल, सी ऑप्शन इज थर्ड काउंसिल एंड डी ऑप्शन इज फोर्थ काउंसिल. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट काउंसिल. और फर्स्ट काउंसिल को चेयर करने वाले पर्सन कौन थे, सो हिज नेम इज स्थूल भद्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज. ए ऑप्शन इज कर्मा, बी इज निष्ठा मीन्स लॉयल्टी, सी ऑप्शन इज अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस एंड डी ऑप्शन इज विराग्य मीन्स नॉन अटैचमेंट. सो द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस. सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड दैट डेस्टिनी इज द डिसाइडर ऑफ एवरीथिंग एंड मैन इज इनकैपेबल. ए ऑप्शन इज द जैनास, बी इज द बुद्धिस्ट, सी ऑप्शन इज द आजीविकास एंड डी ऑप्शन इज द मीमांसकास. तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज द आजीविकास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ बोथ द बुद्धिस्ट एंड द जैन्स इन द उत्तर प्रदेश इज. ए ऑप्शन इज सारनाथ, बी इज कौशंबी, सी ऑप्शन इज कुशीनगर एंड डी ऑप्शन इज देवीपटनम. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कौशंबी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कस्टम संथारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट. अब गाइज ये संथारा है, इसमें क्या होता है, थ्रू द फास्टिंग जो है पर्सन जो है डेथ को अटेन करता है, उसको कहा जाता है संथारा. तो ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, योर ए ऑप्शन इज जैनिज्म, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन इज बुद्धिज्म, सी ऑप्शन इज शैवा एंड डी ऑप्शन इज वैष्णवा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जैनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलीजन दैट इज ग्लोरीफाइड बाय द त्रिरत्न प्रिंसिपल ऑफ साम्यका धरना, दैट इज राइट कंसेप्शन. सेकेंड वन इज द साम्यक चरिता मीन्स राइट कंडक्ट एंड थर्ड वन इज द साम्यक ज्ञान मीन्स राइट नॉलेज इज रिलेटेड टू. मीन्स इस क्वेश्चन को और किसी तरीके से पूछा जाता है दैट त्रिरत्ना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, राइट. या पूछा जा सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिरत्ना. सो आपको त्रिरत्ना में याद रखना है, इसमें आएगा राइट कंसेप्शन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, राइट. और ये बिलोंग करता है आपका त्रिरत्ना जो है जैन रिलीजन से, राइट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इनटू द साउथ इंडिया. ए ऑप्शन इज इंद्राभूति, बी इज स्थूल भद्रा, सी ऑप्शन इज भद्राबाहु एंड डी ऑप्शन इज सुधर्मा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज भद्राबाहु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट इन द ऑर्डर ऑफ द जैन तीर्थंकरा. नाउ ट्राई टू गिव द राइट आंसर. ए ऑप्शन इज पार्श्वनाथ, बी इज ऋषभदेव, सी इज महावीरा एंड डी ऑप्शन इज मणि सुव्रता. तो जो लास्ट थे तीर्थंकरास, दैट इट मीन्स 24 तीर्थंकरास का जो है आपको नाम बताना है, तो वो थे लॉर्ड महावीर, राइट. और इनका एम्बलम था लॉइन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज महावीरास मदर टंग.
ए ऑप्शन इज संस्कृत, बी ऑप्शन इज प्राकृतिक, सी ऑप्शन इज पाली लैंग्वेज एंड डी ऑप्शन इज श्रौ सैनी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हूज कोर प्रिंसिपल एंड फिलोसफी इज अनेकांतावाद। ए ऑप्शन इज बुद्धिज्म, बी इज जैनिज्म, सी ऑप्शन इज सिखिज्म एंड डी ऑप्शन इज वैशनिज्म। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म इन जैनिज्म फॉर कंप्लीट नॉलेज। ए ऑप्शन इज जिन्ना, बी इज रत्ना, सी ऑप्शन इज कैवल्या एंड डी ऑप्शन इज निर्वाणा। तो कंप्लीट नॉलेज को जो टर्म है जैनलिज्म में वो है कैवल्या, राइट। और कैवल्या की कैवल्या को अटेन किया था लॉर्ड महावीरा ने एट जम्बिका ग्राम, राइट। मैंने आप हमने ये पॉइंट जो है प्रीवियस देखा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वॉज एडेड टू द जैनिज्म बाई महावीरा। ए ऑप्शन इज सत्या, बी इज अहिंसा, सी ऑप्शन इज ब्रह्मचर्या एंड डी ऑप्शन इज अपर गृहा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ब्रह्मचर्या और सेलिबेसी। नाउ जो फोर जो है ऑलरेडी उसमें प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से थे, नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन। जो फिफ्थ वन था दैट इज सेलिबेसी और ब्रह्मचर्या वो ऐड किया था लॉर्ड महावीरा ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनुवता प्रिंसिपल वॉज प्रोपाउंडेड बाय। ए ऑप्शन इज द महायाना बुद्धिस्ट ऑर्डर, बी इज द हीनायाना बुद्धिस्ट ऑर्डर, सी ऑप्शन इज जैनिज्म एंड डी ऑप्शन इज लोकायाता ब्रांच। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच तीर्थंकारा इज मेंटेन्ड एज द फीमेल तीर्थंकारा बाय द श्वेतांबर। नाउ ट्राई टू गेस द राइट आंसर, हमने ये पॉइंट प्रीवियस वेरी फर्स्ट जो है डिस्कस किया था। सो ए ऑप्शन इज 10th, बी इज 13th, सी ऑप्शन इज 17th एंड डी ऑप्शन इज 19th। जो 19th तीर्थंकारा थी वो थी फीमेल तीर्थंकारा और इनका नाम था मालिनाथ, ओके। और इनका एम्बलम था या सिंबल कहें वो था कलश मिथिला। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप देख सकते हो अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है। तो इनका बॉर्न हुआ था मिथिला में इनटू द इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। इनके फादर का नाम था कुंभा और इनकी मदर का नाम था प्रजापति, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जैन लिटरेचर। ए ऑप्शन इज त्रिग्रंथ, बी इज अचरंग सूत्रा, सी ऑप्शन इज सूत्रा कृतंगा एंड डी ऑप्शन इज बृहत कल्प सूत्रा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज त्रिग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच जैन असेंबली वॉज द श्वेतांबरा अगमा एडिटेड फाइनली। ए ऑप्शन इज एट वैशाली, बी इज एट वल्लभी, सी ऑप्शन इज एट पावा एंड डी ऑप्शन इज एट पाटलिपुत्रा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एट पाटलिपुत्रा, मीन्स एट द फर्स्ट जैन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ द श्वेतांबरा ऑर्डर एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट डिविजन इन जैनिज्म वॉज। ए ऑप्शन इज स्थूलभद्रा, बी इज भद्राबाहु, सी ऑप्शन इज कालकाचार्य एंड डी ऑप्शन इज देवरिद्धि कश्मा श्रमण। सो द इसका राइट आंसर आएगा द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर ऑर्डर इज स्थूलभद्रा, राइट। जो श्वेतांबर के फाउंडर थे वो थे स्थूलभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा वॉज। ए ऑप्शन इज जमाली, बी इज योसुद, सी इज विपिन एंड डी ऑप्शन इज प्रभास। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज जमाली, जो कि जो है लॉर्ड महावीरा के सन इन लॉ भी थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज रिगार्डेड एज द जैन सिद्ध क्षेत्रा द साइट फॉर अटेनिंग परफेक्शन फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद द पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे, ये थे, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पार्श्वनाथ आएगा। ये 23rd जो है तीर्थंकारा से, आपको ये भी याद रखना है। और इनका एम्बलम था स्नेक, राइट। सो जो ये सिद्ध क्षेत्रा थी, सिद्ध क्षेत्र मीन्स द साइट फॉर अटेनिंग परफेक्शन, ये कौन सी जगह पर पड़ता है। तो ए ऑप्शन इज चंपा, बी इज पावा, सी ऑप्शन इज समेध पीक एंड डी ऑप्शन इज उर्जंता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज समेध पीक और समेध शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज द बार्बर केव्स एज शेल्टर हाउस। ए ऑप्शन इज द आजीविकास, बी इज द थॉरूस, सी ऑप्शन इज जैनास एंड डी ऑप्शन इज द तांत्रिकास। तो जो बार्बर केव्स थी इनको यूज किया जाता है एज अ शेल्टर हाउस बाय द आजीविकास, जो आजीविका सेक्टर लोग थे उनके द्वारा, राइट। अब जो है बार्बर केव्स का गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो है दैट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया आर। तो आपको याद रखना है वो है बार्बर केव्स, और बार्बर केव्स लोकेटेड है बिहार में, राइट। और अगर सेक्ट की बात करें या रिलीजन की बात करें तो ये बिलोंग करती है आजीविका सेक्ट से, राइट। और अगर पूछा जाए कि किसके टाइम पर जो है इनका केव्स का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था, मौर्यन पीरियड के टाइम पर, राइट। These are some important points, so please keep in your mind. Next question is Buddhist, Hindu and Jain rock cut caves coexisted at। आपको सभी इन तीनों रिलीजन का जो है मिक्सचर कहाँ पर देखने को मिलेगा,
ए ऑप्शन इज अजंता, बी इज एलिफेंटा, सी ऑप्शन इज एलोरा एंड डी ऑप्शन इज कार्ले केव्स। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एलोरा केव्स, राइट। और एलोरा केव्स में आपको बुद्ध, हिंदू एंड जैन रिलीजन का जो है मिक्सचर देखने को मिलेगा, तो आपको अच्छे से याद रखना है। एंड दीज केव्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी केव्स जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, दैट इज एलोरा, एलिफेंटा, अजंते एंड कार्ला केव्स, ये सभी पड़ती हैं महाराष्ट्र में। तो आपको ये याद रख लेना है कि कौन सी केव्स जो है कौन से रिलीजन को जो है रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो एलोरा केव्स में बुद्ध, हिंदू और जैन रिलीजन, एलिफेंटा केव्स एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म ओनली, एंड अजंता एंड कार्ले केव्स बिलोंग्स टू द बुद्धिज्म रिलीजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। ए ऑप्शन इज भद्रबाहु, बी इज कालशोका, सी ऑप्शन इज पार्श्वनाथ एंड डी ऑप्शन इज वर्धमान महावीर। सो गौतम बुद्धा के जो कंटेम्पररी थे वो थे वर्धमान महावीर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैयदवाड़ा प्रिंसिपल बिलोंग्स टू। ए ऑप्शन इज द लोकायाता रिलीजन, बी इज शैविज्म, सी ऑप्शन इज द जैनिज्म एंड डी ऑप्शन इज द वैष्णविज्म। सो द सैयदवाड़ा प्रिंसिपल बिलोंग्स टू द जैन रिलीजन। क्वेश्चन इज द ऑर्डर दैट बिलीव्ड इन इनफॉलिबिलिटी ऑफ डेस्टिनी। ए ऑप्शन द जैना, बी इज आजीविकास, सी ऑप्शन द चर्वका एंड डी ऑप्शन इज बुद्धिस्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रभासगिरी इज अ पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ। प्रभासगिरी यूपी में पड़ता है, तो ये किसका एक जो है प्लेस है किस रिलीजन का। ए ऑप्शन इज द बुद्धिस्ट, बी इज द जैनास, सी ऑप्शन द शैविटीज एंड डी ऑप्शन द वैष्णविटीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द जैनास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड द यापनिया ऑर्डर बिलोंग्स टू। ए ऑप्शन इज बुद्धिज्म, बी इज जैनिज्म, सी ऑप्शन इज शैविज्म एंड डी ऑप्शन इज वैष्णविज्म। सो यापनिया ऑर्डर बिलोंग्स टू जैनिज्म। सो विद दिस गाइस आई एंड अप दिस सेशन। सो आई होप दैट यू लव द कंटेंट। सो प्लीज गिव योर वन लाइक टू दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।